नमस्कार, मैं डॉक्टर हरिनारायण आज अपने पशुपालक भाई और बहनों को एक ऐसी बीमारी के बारे में बताना चाहता हूँ जो फंगस से नहीं, बैक्टीरिया से नहीं, स्पोरोफाइट से होता है। उस बीमारी का नाम है नॉन कार्डियोसिस। इसे ट्रॉपिकल एक्टिनोमाइकोसिस कहते हैं या माइकोटिक लिम्फेंजाइटिस भी कहते हैं। यह पशुओं और मनुष्यों में भी होता है, लाइव स्पोरोफाइट से होता है। नॉन कार्डिया फारसी निकस ऑर्गेनिज्म से फैलता है। गाय, भैंस, कुत्ता, बकरी, बिल्ली और आदमी में भी फैलता है। यह छुआछूत की बीमारी है। गाय, भैंस एवं अन्य पशुओं के गर्दन के बगल में काफी सूजन, छोटे छोटे नोट्स के नूडल्स में हो जाता है। कान में भी होता है और मुंह में भी होता है, बाहर होता है, चमड़े के नीचे होता है। जब पक जाता है, ज्यादा दिन हो जाता है तो इसको खाने पर पस निकलता है और यह बीमारी काफी दिनों तक रहता है। समूचा मुंह और जितना पोषण है गर्दन के चमड़े के नीचे काफी मात्रा में नूडल्स हो जाता है, जो पकने पर इंसिजन देने पर पस फॉर्मेशन निकलता है। गाय और भैंस में थन के द्वारा यह ऑर्गेनिज्म घुसता है और मस्टाइटिस पैदा करता है। इसके दूध और पस के जांच के बाद ही पता चलता है इस ऑर्गेनिज्म के बारे में। यह ऑर्गेनिज्म की चिकित्सा के लिए आप सल्फोनामाइड का व्यवहार कर सकते हैं। यह इफेक्टिव दवा है, लेकिन यह कॉस्टली इसलिए है कि इस बीमारी के इलाज के लिए आपको कम से कम 1.5 महीना और नहीं तो 3 महीने तक इलाज करना पड़ेगा। और सुबह और शाम दिन में 2 बार इंट्राभेनसली इंजेक्शन देना पड़ेगा, तभी इसमें सफलता आपको मिल सकती है। आप इसे जहां इसकी आवश्यकता है दवा की, सुबह और शाम कम से कम 1.5 महीना और अधिक से अधिक 3 महीने तक व्यवहार करें। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन भी व्यवहार कर सकते हैं। 1.5 महीने से कम इलाज करने पर कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन यह दवा ठीक है, इसमें उपचार सही हो जाता है। धन्यवाद।